फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम जे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 जून 2019 को हुए आरआरबी जेई की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी जो शिफ्टें हुई थी 22 से लेकर 2 जून तक की, वो सारे वीडियो देख कर आप क्वेश्चन के आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार आरआरबी जेई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज की शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की शिफ्ट में पूछा गया था, आज की शिफ्ट में फ्रेंड्स पूछा गया कि आपको ऑप्शन दे दिया गया था कि एल, एजी, सीयू और सीए में कौन सा सिंबल जो है गलत है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम का सिंबल है, ये एजी यानी अर्जेंटम यानी कि सिल्वर का सिंबल है, ये कॉपर का सिंबल है, लेकिन जो ये स्मॉल सिंबल दिया गया था आपको, ये स्मॉल सिंबल आपका गलत होगा इस प्रश्न में। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट में हिमाचल प्रदेश डे का भी बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश डे कब मनाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस खेल से जुड़ी हुई है, वो टेनिस खेलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था किस विटामिन से ब्लड कोटिंग में मदद होती है। तो फ्रेंड्स विटामिन के जो है उसकी मदद से ब्लड कोटिंग में हेल्प होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको खाली जगह दी गई थी और पूछा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो खाली जगह में क्या आएगा। तो फ्रेंड्स खाली जगह में जो आई है, आई वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस से, ये ओम के लॉ के मुताबिक। तो आपका जो खाली जगह के अंदर जो आएगा वो करंट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कौन सा विटामिन जो है मछली के लीवर में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स विटामिन ए जो है, विटामिन ए वो मछली के लीवर में पाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो है वो रशिया में हुआ था, और फ्रेंड्स इसका जो मास्कोट था वो था जाम्बीवा का। इसके अलावा फ्रेंड्स विनर थे वो थे फ्रांस, और जो हारी टीम थी वो थी क्रोएशिया। आपको ये भी याद रखना है बिकॉज एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि दिल्ली को भारत की कैपिटल किस संविधान संशोधन के आधार पर बनाया गया। तो फ्रेंड्स 69वें अमेंडमेंट एक्ट की हेल्प से दिल्ली को एनसीआर में, यानी दिल्ली को भारतीय कैपिटल के अंदर यानी एनसीआर स्टेट के अंदर नाखा गया, यानी 69 आपको अमेंडमेंट याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों से। तो फ्रेंड्स जैसा कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6, तो इसका 2 और 4 होता है, फर्स्ट कक्षा में 2 और सेकंड में 4 है। तो फ्रेंड्स इसकी बाहरी कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था एक आपको एलसीएम वाला एक क्वेश्चन दिया गया था कि वो कौन सा छोटा नंबर होगा जिससे 12, 15, 54 और 10 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 बचता है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें एलसीएम लेना था, 12, 15, 54 और 10 का एलसीएम लेना था, फिर आपका जो एलसीएम आएगा उसमें फ्रेंड्स 8 को ऐड कर देना चाहिए था, तो आपका जो छोटी संख्या होगी वो आसानी से निकल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था इंडिया में आर्क डैम कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो इडुक्की डैम है केरल के अंदर, इडुक्की डैम वो आर्क प्रकार का डैम है इंडिया में। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था 2018 का एशियन गेम कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स जकार्ता यानी इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबेक में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था पेप्सिन कहाँ से निकलता है। तो फ्रेंड्स पेप्सिन जो है स्टमक से निकलता है और ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को फ्रेंड्स पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, फिर पेप्टोन को जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है वो इसको एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल में इसको कन्वर्ट करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था पीएच ऑफ लेमन जूस। तो पीएच ऑफ लेमन जूस है फ्रेंड्स 2.2 से फ्रेंड्स 2.4 के बीच में लेमन जूस का पीएच होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था एक और प्रश्न था फ्रेंड्स वैलेंसी से था कि क्लोरीन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फ्रेंड्स क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, तो इसके 2, 8 और 7 बाह्य कक्षा में फ्रेंड्स 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था
विच इज लेस हार्मफुल टू एटमोसफियर, तो आपको ऑप्शन में दे दिया था फ्रेंड्स बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ डीजल एंड बर्निंग ऑफ चारकोल। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बर्निंग ऑफ चारकोल जो है ये एटमोसफियर को लेस हार्मफुल करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, एक प्रश्न था असम का फेस्टिवल के बारे में, तो फ्रेंड्स असम का फेस्टिवल जो है बिहू है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा गया था जिस प्रकार चेहरा आँख के साथ संबंधित है उसी प्रकार सिर क्या होगा, तो फिर सिर जिस प्रकार आँखें जो है चेहरे में होती है उसी प्रकार जो बाल होगा आपका वो सिर में होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था एक मोरारजी देसाई की कैबिनेट में डिप्टी पीएम कौन थे, तो आपको याद रखना फ्रेंड्स चौधरी जो चरण सिंह थे, चरण सिंह और मोरारजी देसाई की कैबिनेट में डिप्टी पीएम थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था साउंड किस प्रकार की वेव है, तो फ्रेंड्स साउंड जो है मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव में भी फ्रेंड्स दो प्रकार की वेव का समावेश होता है, एक तो है फ्रेंड्स ट्रांसफर वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडियल वेव। ट्रांसफर वेव जो है फ्रेंड्स माध्यम के कण के साथ टकराकर समांतर चली जाती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडियल वेव जो है माध्यम के कण के साथ टकराकर लंबवत चली जाती है। तो जो साउंड वेव है फ्रेंड्स वो लॉन्गिट्यूडियल वेव का उदाहरण है, जबकि प्रकाश की तरंगे है जो है वो ट्रांसफर वेव का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था आइसो के लक्षद्वीप कितने आइलैंड से मिलकर बना है, तो लक्षद्वीप जो है फ्रेंड 36 आइलैंड से मिलकर बना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था आपको इसरो ने जो हाल ही में PSLV C-45 एमिशन मिशन लॉन्च किया था, तो उसके साथ कितने सैटेलाइट को और लॉन्च किया था, तो 28 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था टाइगर रिजर्व से एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स एक प्रश्न आइसोबार से पूछा गया था कि आइसोबार किसे कहते हैं, तो जिनके एटॉमिक मास समान होते हैं और एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं उन्हें आइसोबार कहते हैं, और जिनके एटॉमिक नंबर समान होते हैं और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं उनको फ्रेंड्स आइसोटॉप्स कहते हैं। और फ्रेंड्स आइसो न्यूटोनिक में फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक में फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान रहती है, ये भी आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो समान रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक सिंप्लीफिकेशन से ऐसे एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स रेशियो प्रोपोगेशन से जो है तीन प्रश्न पूछे गए थे इस बार। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि सूर्य की जो रोशनी है वो स्कैटरिंग के बाद कौन से रंग की दिखाई देती है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है सूर्य से जो किरणें आती है वो मुख्यतः बैंगनी कलर की आती है, और बैंगनी कलर का फ्रेंड्स अवशोषण हो जाता है इसलिए वो किरण दिखती नहीं और वातावरण अपने को लाल दिखाई देता है। तो आप इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे तो बैंगनी लग रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था एक प्रश्न, आलू में आयोडीन मिलाने पर वो कौन से रंग का हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स एक लेंस का भी प्रश्न पूछा गया था आज की फर्स्ट शिफ्ट में। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि पेड़ में पानी को ले जाने का कार्य कौन करता है, तो फ्रेंड्स जाइलम जो है वो पेड़ के अलग अलग भागों तक पानी ले जाने का कार्य करता है, और जो फ्लोएम है फ्रेंड्स वो पेड़ में खनिज द्रव्य पहुँचाने का कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था एक बेकिंग सोडा से प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स के इनमें से किसमें जो पानी नहीं मिलाया जा सकता, इसका ऐसा कुछ प्रश्न था इनमें से किसमें पानी नहीं मिलाया जा सकता, तो आपको फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा दे दिया था, ब्लीचिंग पाउडर दे दिया था, जिप्सम दे दिया था और बेकिंग सोडा दे दिया था। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है जिप्सम का जो सूत्र है CSO4 × 2H2 है, तो इसमें पानी आ रहा है बराबर, और जो तीन वॉशिंग सोडा था उसमें भी पानी आएगा, लेकिन जो आपका बेकिंग सोडा है इसमें पानी नहीं आएगा बिकॉज इसका है NaHCO3, ये आपको याद रखना है। जो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट से मिलकर बना है, इसमें फ्रेंड्स एक्स्ट्रा टार्ट्रिक एसिड आप डाल दोगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स पाउडर, ये भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न रिपीट हुआ था फ्रेंड्स ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक एसिड मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो बेकिंग पाउडर बनेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था मेंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी किसके अनुसार बनाई थी, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यानी एटॉमिक मास के आधार पर बनाई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि नाई जो है वो कैची से संबंधित रखता है, तो लुवार किससे संबंधित रखेगा, तो लुवार जो है फ्रेंड्स कुल्हाड़ी से संबंधित रखेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि पोलियो जो है
पोलियो किससे संबंधित है, यानी पोलियो विषाणु से, बैक्टीरिया से रोग होता है या वायरस से रोग होता है, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पोलियो जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स वायरस से होने वाले रोग की एक ट्रिक है, उसको आप याद कर लीजिए। रेखा रेखा हमें हिट करने पहुँचे, रेखा हमें हिट करने पहुँचे, ये एक ट्रिक है वायरस से रोग याद करने की। रेखा हमें हिट करने पहुँचे, तो रे से हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रेबीज, ख से हो जाएगा खसरा, ह से हो जाएगा हेमेटाइड, म से हो जाएगा मेनेटाइड, ही से हो जाएगा आपका हिपेटाइज, ट से हो जाएगा आपका टाइफाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स कन्ने को साइलेंट रख दीजिए, पो से आपका पोलियो हो जाएगा, ह से आपका हेजा हो जाएगा, और चे से जो है फ्रेंड्स चेचक हो जाएगा। तो इस ट्रिक में अपना फ्रेंड्स पो से पोलियो जो है वायरस के कारण होने वाला रोग है। आपको एक बार और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ट्रिक है रेखा हमें हिट करने पहुँचे, ये आपको याद रखना, ये ट्रिक है वायरस से होने वाले रोग की। इसके अलावा फ्रेंड्स एक प्रश्न और पूछा गया था सबसे छोटी हड्डी के बारे में, तो सबसे छोटी जो अपने कान की स्टेपिच हड्डी होती है, ये भी आपको याद रखना है। कान में फ्रेंड्स कुल 6 हड्डी होती है, दो कान के मिला के, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, यानी 6 हड्डी होती है, और फेशियल बोन्स जो होती है फ्रेंड्स वो 14 होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था H2SO4 और ZNO को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, तो फ्रेंड्स H2SO4 और ZNO की अभिक्रिया होगी, तो इसमें फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि कौन सा प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स सोना और चांदी जो है ये प्रकृति में बहुत ही शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, और सोना की फ्रेंड्स डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी बहुत ही अधिक होती है, और चांदी की सोने के बाद होती है। तो ये फ्रेंड्स आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी चैनल MG Star Education को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारी चैनल को फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बराबर में एक बेल आइकन बटन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स आज से हमने RRB JEE CBT 2 के लिए टेक्निकल यानी इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी स्टार्ट किया है, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर आदि के जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके बारे में थियरी नॉलेज भी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।